हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षद अंगारे। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हर्ष रस पे। आप सभी को पता है पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेट। व्हाट इज सेट, उसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट का मतलब क्या होता है, एक कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल लेटर से। वेयर एज द एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, जो सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसी को हम एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। वेयर एज द एलिमेंट ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, इसको हम डिनोटेड करते हैं स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, इसमें बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट 2 ये। तो 1 इज बिलोंग टू ए, 2 इज बिलोंग टू ए, कैपिटल ए किसी। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ए इज बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स को हम ऐसे लिखते हैं, ए इज नॉट बिलोंग्स टू ए इसको हम ऐसे लिखते हैं। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं उसी को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, उसको हम लिखते हैं ऐसे। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको हम डिनोटेड करते हैं फाई से, इसी को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। सिंगल टोन सेट का मतलब होता है जिसके अंदर वन ही एलिमेंट होते हैं उसको हम सिंगल सेट, सिंगल टोन सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसकी कुछ मर्यादा होते हैं, मतलब जिसकी मर्यादा होती है उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3, 3 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है उसी को हम मर्यादित सेट कहते हैं, उसी को हम फाइनाइट सेट भी कहते हैं। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं होती उसी को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब वो इनफाइनाइट है उसी को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द सेट, जो फाइनाइट नंबर फाइनाइट सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसी को हम ऑर्डर ऑफ सेट कहते हैं। किंवा कार्डिनियल नंबर, कार्डिनियल नंबर मतलब मुख्य नंबर कहते हैं, और इसको हम डिनोटेट करते हैं नंबर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसी को हम ए। कुछ प्रॉपर्टीज है सेट की, इस आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सेट की डेफिनेशन पढ़ी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अगले लेक्चर में हम कुछ और नया पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।